मामा, जब पापा का झगड़ा आपसे है तो वो मेरे साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे एहसान फरामोश है तुम्हारा बाप, वो भूल चुका है ये कि मैं नौकरियां करती थी और वो पढ़ता था, उसकी फीसें मैं भरती थी। अरे आज वो जिस पोजीशन पे ना, मेरी वजह से, मगर भूल चुका है वो ये बात। नहीं आपा, साजिद भाई ने आप दोनों पे बहुत जुल्म किया, मैं उसे सजा दे कर रहूंगा, मौका मिलने पर ऐसा वार करूंगा कि बस तुम तो रह रही दो सलमान, चूड़ियां पहनो चूड़ियां। अरे जिस दिन से मुझे तलाक हुई है मैं यही सुन रही हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ वक्त आने दें, फिर देखिएगा, मैंने भी कुछ प्लानिंग। माफ कर दो सलमान, पहले ही तुम्हारी वजह से पुलिस कचहरी के चक्कर लगा चुके हैं हम, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। गॉड, ये तो कत्ल हुआ है और दरवाजा भी खुला हुआ है। आप एविडेंस इकट्ठे करेंगे सर? लगता है इसने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। ये लैपटॉप उठा लो। एम्बुलेंस को फोन करो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं असल में आपकी ये इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट देखी। आपने तो इसमें इस इम्कान का इजहार किया है कि हस्बैंड ने अपनी बीवी को पहले शूट कर दिया और बाद में खुदकुशी कर ली। मैडम, पिस्तौल जो है ना मकतूल साजिद के हाथ में था, गोली बहुत करीब से चलाई गई और घर में फोर्स एंट्री के सर्वाइव नहीं मिले, घर में मियां बीवी अकेले ही थे। अच्छा अच्छा, तो क्या साजिद खान के हाथ पर से गन पाउडर के ट्रेसेस मिले? नहीं मैडम, कोई ट्रेस नहीं मिले। तो फिर आप किस बेसिस पर इतने वसूख से ये कह रहे हैं कि साजिद खान ने पहले अपनी वाइफ को शूट किया और फिर खुदकुशी कर ली? एनीवे, ये शर्मीन साजिद की दूसरी बीवी थी। मैडम, इससे पहले उसकी जो बीवी थी उसका नाम था कुसिया, जिसको एक साल पहले ये तलाक दे चुका है। उसकी एक बेटी भी है जो बाप साजिद के साथ रहती थी। लेकिन वारदात वाले रोज बेटी जो थी ना, वो कुसिया घर गई हुई थी। आपकी इस रिपोर्ट में मुझे कोई अहले मोहल्ला के भी बयान आते हैं, प्लीज जरा पेपर वर्क कम्प्लीट करके मुझे दोबारा ये फाइल भिजवाइए। मैडम कोशिश कर रहे हैं, कामें भी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे मुलजिम तक इंशाल्लाह ताला, मैडम बहुत जल्द। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सर मैं बाहर निकला, अहले मोहल्ला भी जमा थे। साजिद साहब का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं समझ गया कोई वारदात हुई है, फिर मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया। अच्छा, उनके अलावा कोई और भी था उनके साथ? मेरा मतलब है कोई मर्द वगैरह? जी जी साहब, मैंने देखा था रात में 1 से 1.5 के दरमियान साजिद साहब की पहली बीवी कुदसिया और उसकी बेटी दोनों साजिद साहब के घर में गई थी। क्या आप में से कोई मकतूल साजिद की एक्स वाइफ कुदसिया का एड्रेस जानता है? जी जी साहब, वो गुलिस्तान जोन में रहती है। अच्छा, भाई ये लोग कहाँ गए? सर कुर्सी आबाजी और इनकी बेटी कहीं रेडियो कैप में बैठ के कहीं गए। पता है आपको कि रेडियो कैप में कहाँ जा सकते हैं ये लोग? तो मेरे ख्याल से कराची से बाहर ही गए होंगे, क्योंकि 2 अटैची उन्होंने गाड़ी में रखवाई थी। मैडम, मकतूल साजिद की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में यह है कि उसके हाथ पे गन पाउडर के निशानात नहीं थे। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि खुदसिया और उनकी बेटी मरियम दोनों घर से फरार हैं। तो मेरा शक सही था,
कि ये कत्ल और खुदकुशी की नहीं बल्कि डबल मर्डर की वारदात। मकतूल साजिद का अंदेशा भी सही था। कैसा अंदेशा? मैं कुछ समझा नहीं। भाई मकतूल साजिद ने मरने से 2 हफ्ते कबल अपने इलाके के थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे कुत्सिया और सलमान से जान का खतरा है। मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? मकतूल साजिद ने वारदात से 2 हफ्ता पहले थाने में दरखास्त दी थी तुम दोनों बहन भाई के खिलाफ कि अगर उसे और उसकी बीवी को कुछ हो तो उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन होगी। साजिद भाई का कत्ल हो गया? तो चल तेरे को थाने बताते हैं, ले चल इसे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम दोनों माँ बेटियों ने अपने भाई के साथ मिलकर ये वारदात की और माँ बेटियां दोनों लाहौर फरार हो गई। सर हमारा इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तो लाहौर इसलिए गई थी कि अपनी बेटी मरियम को हॉस्टल में एडमिशन करवा दूं। बकवास करती है तू, तू भी झूठी हो, तेरा भाई भी झूठा है। बड़ी प्लानिंग की है तुम तीनों ने, अपने बयान में एक लफ्ज इधर से उधर नहीं किया तुम लोग। मोहल्ले वालों ने तुम दोनों को रात 1 से 1.5 के दरमियान साजिद के घर जाते देखा है और यही वक्त था जब साजिद और शर्मिन का कत्ल हुआ। तौल तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें लाके दी होगी, है ना? सर, आपने मेरे भाई को बेकसूर गिरफ्तार किया है और मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है कि उन दोनों का मर्डर हो गया। मेरा कुछ सामान पापा के घर पर था, हम लोग तो बस वही लेने के लिए गए थे। ऐसा कौन सा सामान था जो रात के 1 बजे तू लेने गई थी वहाँ पे? वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ कपड़े। दरवाजा अपने आप खुल गया होगा? नहीं, वो मेरे पास भी एक मेन गेट की चाबी होती है जिससे हम लोग घर में दाखिल हुए थे। पोस्टमार्टम के 4 तरीकेकार हैं, फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि इस दोहरे कत्ल की वारदात में किन शवाहिद की बुनियाद पे आपने इन तीनों मुलजमान को नामजद किया? योर ऑनर, मकतूल साजिद को पहले से इन लोगों की तरह से अपनी जान का खतरा था। उसने 2 हफ्ता पहले ही थाने में दरख्वास्त दी थी कि अगर उसे और उसकी बीवी को कोई नुकसान हो तो उसके जिम्मेदार मुलजमा कुत्सिया और उसका भाई सलमान होंगे। अहले मोहल्ला के बयान के मुताबिक मकतूल साजिद की पहली बीवी मुलजमा कुत्सिया और उसकी बेटी मरियम बकू वाले रोज़ घर में दाखिल हुए। कुछ देर के बाद फायरिंग की आवाज़ हुई, अहले मोहल्ला जमा हो गए। करीब आए तो उन्होंने देखा मेन गेट खुला हुआ था, उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। और आपकी इत्तला के मुताबिक उस वक्त रात के 1 से 1.5 बजे हुए थे? जी हाँ। मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 1 और 2 के दरमियान में हुआ। मकतूल साजिद को बहुत करीब से दाईं कनपटी पे गोली मारी गई जबकि मकतूला शर्मिन के सीने पे फायर किए गए। इंस्पेक्टर साहब, आपने जाय वकुआ का मुआयना किया था? यहाँ योनर, हमने जाय वारदात से 32 आइटम कलेक्ट किए हैं जिसमें मुतअद्दिद फिंगरप्रिंट्स हैं, एक जूते का निशान भी है और दीवार पे खून का एक धब्बा भी है। इंस्पेक्टर साहब, मकतूला शर्मिन के नाखूनों से डीएनए सैंपल भी लिया गया था, क्या उस डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है? जी नहीं, नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को ये भी बताइएगा कि क्या तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म किया है? जी हाँ, इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं
इंस्पेक्टर साहब से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? इंस्पेक्टर साहब, आपका तो ये एक रिवायती सिस्टम है कि खूब पिटाई करो और अखबारें जुर्म करवा लो। खैर, इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि जाए वारदात से जो शवाहिद आपने इकट्ठे किए हैं, क्या उन शवाहिद का ताल्लुक मेरे क्लाइंट से साबित होता है? जी हाँ, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई, इसमें मुलजिमा कुसिया और उसकी बेटी मरियम की फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कुसिया साहिबा और मरियम के फिंगरप्रिंट सिर्फ लाउस से और मरियम के कमरे से मिले। मेरी क्लाइंट बयान दे चुकी है कि उन्होंने अपनी बेटी को लेकर सुबह लाहौर जाना था। मरियम का कुछ सामान मकतूल साजिद के घर पर था। दोनों माँ बेटी वो सबक लेने के लिए गई थी। योर ऑनर, पॉइंट की बात यह है कि मकतूल साजिद के कमरे से मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और सलमान के तो सिरे से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और ना ही सलमान साहब को किसी ने जाए वारदात पर देखा। यार, कुसिया की गाड़ी के शीशों का रंग काला था। सलमान को इसलिए कोई ना देख सका जबकि सलमान उस गाड़ी में मौजूद था। हो सकता है इसने हाथों में दस्ताने पहने हो जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट ना आए हो, लेकिन जाए वारदात से जो हमें जूते का निशान मिला था वो 8 नंबर का था और सलमान के जूते का साइज भी 8 नंबर का। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि जाए वारदात से जिस जूते का पैटर्न मिला, क्या उस पैटर्न का कोई भी जूता मेरे क्लाइंट से बरामद हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये भी बताइए कि मेरे क्लाइंट अपना सामान लेने के लिए गए थे तो क्या अहले मोहल्ला को उनकी मौजूदगी में फायरिंग की आवाज सुनाई थी या फिर उनके जाने के बाद फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी? मुलजिमान को घर में जाते हुए तो देखा गया, लेकिन वापसी जाते हुए किसी ने नहीं देखा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सलमान के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। खुशिया साहिबा और मरियम इकरार कर चुकी हैं कि वो अपना सामान लेने मकतूल साजिद के घर गई थी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स को बिला वजह इस केस में मुलव्वस किया जा रहा है, हालांकि इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और फिर इनके खिलाफ तो कोई भी सबूत नहीं है। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। क्या बात करते हैं वकील साहब, आपके क्लाइंट्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं है? योर ऑनर, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मकतूल साजिद ने अपने मरने से 2 हफ्ते कबल थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनको जान का खतरा है। इन मुलजमान से, योर ऑनर, इन मुलजमान से जान का खतरा इसलिए था क्योंकि कत्ल करने का मोहरिक इनके पास था, जायदाद। योर ऑनर, कुदसिया साहिबा ने तो तलाक के बाद साजिद साहब की जायदाद में अपना शेयर खो दिया था, लेकिन अब इन तीनों मुलजमान को यह खतरा था कि शायद मरियम को भी उस जायदाद से हिस्सा ना मिले। योर ऑनर, इसी हवाले से ये बात साबित करने के लिए कि जायदाद का हुसूल कत्ल का मोहरिक था, मैं अपने एक गवाह एडवोकेट खलील को अदालत में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? गवाह एडवोकेट खलील कटहरे में हाजिर हो। जी खलील साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं साजिद खान साहब का कॉर्पोरेट लॉयर था और उनके फैमिली अफेयर से भी अच्छी तरह आगाह था। साजिद खान साहब ने एक वसीयत तैयार करने को कहा था। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी जायदाद में से उसका ड्यू शेयर ना देने का फैसला किया था। मुलजिमा कुदसिया और उसकी बेटी मरियम मकतूल से शदीद नफरत करती थी। ख़ास तौर पे मरियम का रवैया अपने बाप और सौतेली माँ के साथ काफ़ी तौहीन आमेज था। शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हुए ख्याल रखिएगा, आजकल चीटिंग बहुत हो रही है। बहुत सारी बड़ी बड़े ब्रोकरेज हाउस जो हैं आपकी इन्वेस्टमेंट डुबो देंगे। अरे यार, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों पड़ी हो यहां पर? जा अपनी मां के पास। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का घर है। इस घर पे और मेरे बाप पे दोनों पर से मेरा हक है।
मेरे ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। खलील तुम बैठो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। कुछ तो ख्याल करो, बाहर कोई मेहमान बैठा हुआ है। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? यही तमीज तहजीब सिखाएगी तुम्हारी माँ ने तुमको। तमीज तहजीब आप इस औरत को सिखाएं, पता नहीं किस बाजार से उठाकर ले आए इसको। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे बाप ने मुझ पे हाथ उठाए। साजिद, इट्स टू मच, ये कुत्सिया की जबान बोल रही है। खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का नाम मत लेना तुम। मुझे कमजोर तो बिल्कुल ही मत समझना। मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इससे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या बेवकूफ? साजिद, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तुम शर्मीन अपने कमरे में जाओ, कमरे में जाओ अपने। तुम्हारा तो मैं अभी हिसाब किताब करता हूँ। यार खलील, मुझे तो मरियम से नफरत आती जा रही है। वो शर्मीन से किस तरह बात करती है? देखो मैं उसको जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे तो वो दो कौड़ी का इंसान समझती है, मेरी कोई बात नहीं समझ में आती उसके। यार खलील, तुम ही उसको कुछ समझाओ ना। आप परेशान ना हो साजिद साहब, मैं खुद बात करूंगा मरियम साहब। इस नफरत की एक वजह भी थी माय लॉर्ड। कुत्सिया साहिबा अपने शौहर साजिद खान की मोहसिन थी। शादी के बाद साजिद खान ने MBA के साथ साथ बिजनेस लॉ की डिग्री हासिल करने की ख्वाहिश की थी, तो कुत्सिया साहिबा ने जॉब के साथ साथ उनका घर भी संभाला और अपने शौहर की फीसें भी अदा की। लेकिन डिग्री लेने के बाद साजिद साहब को लाखों रुपये सैलरी पर अच्छी जॉब मिली और कुत्सिया साहिबा को तलाक दे के उन्होंने घर भेज दिया और शर्मीन से शादी करके उसे घर लिया। योर ऑनर, साजिद खान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो दोस्तों का दोस्त था। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है और इस्तगासा को इस बात की हिदायत की जाती है कि फॉरेंसिक एविडेंस की तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समाअत में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तायुन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ होती रहती है। हत्ता के जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवि से कमी वाक़ होती है। उसी डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट तुमने पढ़ी? नहीं मैडम, मैं पढ़ने ही वाला था, उससे पहले आपको मिल गई। इस रिपोर्ट से तो जो जाय वारदात से शवाहिद मिले हैं उनसे तो मुलजमान का ताल्लुक ही साबित नहीं होता। और तो और, जो शर्मीन के नाखनों से टिश्यू के सैंपल लिए गए थे उनका DNA तो इन तीनों मुलजमान से मैच नहीं किया, बल्कि ये रिपोर्ट तो कहती है कि वो DNA इस फैमिली का है ही नहीं। मैडम तो फिर किस जाविये से इन्वेस्टिगेशन की जाए? शायद हमारा जो फोकस है वो अभी तक गलत इंसान पर है। हो सकता है कि इस डबल मर्डर की वारदात का मुहरिक साजिद से नहीं बल्कि शर्मीन से कनेक्टेड हो। तुमने नोटिस किया है अभी तक शर्मीन के ना तो कोई लवाकीन सामने आए हैं, हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई अजीज़ो अकारब का नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब ने जाय वारदात से जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसमें शर्मीन और साजिद दोनों के लैपटॉप्स भी तो कलेक्ट किए थे ना? जी मैम, हो सकता है लैपटॉप हैकर के को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हैक करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है लैपटॉप ऑन करें तो प्रोफाइल्स वैसे ही खुल जाए इनके। Thank you.
अपने भाई। ओए राशिद नाम है तेरा? जी सर राशिद नाम है मेरा। क्यों क्या हुआ? और आकिब कहाँ है? आकिब 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 तो यहाँ नहीं रहता। ठीक ठीक बता कहाँ है आकिब? साहब मैं सही बता रहा हूँ, आकिब यहाँ नहीं रहता साहब। अभी तू सब बताएगा। ठीक ठीक चलो उसको थाने ले चलो। आकिब कहाँ है? बोल सर, आकिब से मिले हुए मुझे बहुत अरसा हो गया, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई कोई। कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? बोल। सर मैं नाजिया और आकिब। सारा माल लूट के आपस के अंदर ही बांट लेते हैं? सर आकिब मैं बोलता था कि अगर तुमने तुमने सारा पैसा मुझे कलेक्ट करके दे दिया तो वो हमें जान से मार देगा। सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 304 इस सूरतेहाल में लागू होता है जब कत्ल अम्द का सबूत मिल जाए और उस पर कसास का इतलाक होता हो या कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 17 के तहत कत्ल अम्द की मुस्तनद गवाही मिल जाए। साहब पुलिस ने हमें बिला वजह गिरफ्तार किया है, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पुलिस हम पे तशद्दुद करके जुर्म का इतराफ करवाना चाहती है जो हमने किया ही नहीं है। पुलिस ने हमें बहुत बुरी तरह मारा पीटा है जज साहब, पर जुल्म हो रहा है सर। जज साहब हमें इंसाफ चाहिए, हम बेकसूर हैं। योर ऑनर इस वक्त जो तीनों मुलजमान मासूम बनकर अदालत के सामने खड़े हैं और झूठे बयानात दे रहे हैं। योर ऑनर पुलिस और इस्तखासा के पास नाकाबिले तर्दीद सबूत है जिससे ये साबित होगा कि मुल्जिम आकिब ने ये दोहरे कत्ल की वारदात की है। योर ऑनर तफ्तीश के इब्तदाई दिनों में ही मेरे जहन में एक सवालिया निशान उठा कि शर्मीन की फैमिली कहाँ है। योर ऑनर इस दोहरे कत्ल की वारदात के बाद जहाँ साजिद की फैमिली तो नजर आती थी वहां शर्मीन के अजीजो अकारिब और लवायकीन सामने नहीं आए। पुलिस ने जब छानबीन भी की तो शर्मीन के खानदान के बारे में कुछ पता नहीं चल सका और इसी दौरान शर्मीन के नाखूनों से लिए गए डीएनए सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई और योर ऑनर उस डीएनए रिपोर्ट ने कटहरे में खड़े इन तीनों मुलजमान को क्लियर कर दिया क्योंकि इन तीनों में से किसी के साथ भी उस स्किन टिश्यू का डीएनए सैंपल मैच नहीं करता था। योर ऑनर इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये उठता था कि अगर ये कत्ल इन तीनों मुलजमान ने नहीं किए तो फिर अगर कातिल कोई और था तो फिर इस कत्ल का मोहरिक भी मुख्तलिफ होगा। योर ऑनर इस कातिल और मोहरिक को ढूंढने के लिए अब हमारे शक का जाविया कुछ बदल गया और हमने अपनी तवज्जो साजिद से हटाकर मकतूला शर्मीन की जानिब की। शर्मीन को लेकर पहले ही हमारे जहन में सवालिया निशान था कि शर्मीन कौन है, कहां से आई, इसका ताल्लुक किस खानदान से है। यही जानने के लिए हमने शर्मीन का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की और शर्मीन के उस लैपटॉप से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जो लैपटॉप पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में अपनी तहवील में ले लिया था। योर ऑनर शर्मीन के लैपटॉप पर जब उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की गई और उस प्रोफाइल में उसके मैसेजेस का इनबॉक्स चेक किया गया तो हमें असली कातिल की निशानदेही हो गई। योर ऑनर उस मैसेजेस के इनबॉक्स में निहायत धमकी आमेज मैसेजेस दिए गए थे और हद तो ये है कि वारदात से दो घंटे पहले तक भी एक धमकी आमेज मैसेज दिया गया था और वो मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि कटहरे में खड़ा मुलजिम आकिब है। योर ऑनर वारदात से दो घंटे पहले भेजे जाने वाले इस मैसेज में आकिब ने साफ तौर पर ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं और अगर तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला तो
तुम्हें तुम्हारी गली और तुम्हारे मोहल्ले में इस कदर वावेला मचाऊंगा कि सबके सामने तुम्हारी असलियत खुल जाए। सर, गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने इकरार जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने इसका डीएनए सैंपल भी लिया और योर ऑनर, इसका डीएनए सैंपल मकतूला शर्मीन के नाखूनों से हासिल किए गए डीएनए सैंपल से 100% मैच कर गया। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान ये बात भी मालूम हुई कि आकिब, राशिद और नाजिया का एक गिरोह है जो मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे भी ऐंठते हैं। और योर ऑनर, हमें ये जानकर भी हैरत हुई कि मकतूला शर्मीन भी असल में इसी गिरोह का हिस्सा थी। योर ऑनर, इस दोहरे कत्ल की वारदात में ये तीनों मुलजमान बराबर के मुलव्वस हैं। जज साहब, हमने बहुत लोगों को लूटा है, बहुत से घरों में डकैतियां मारी है, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली। सर, कत्ल की इस वारदात के पीछे इस आकिब का काम है। सर, हरामखोर झूठे, तू भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा तो हराम और रहा रहा। तुम लोग खामोश हो जाओ। जी बीबी, तुम क्या कहना चाहती हो? जज साहब, कातिल ये शख्स है, बल्कि जब इसको पता चला कि हमें ये बात मालूम हो गई कि शर्मीन को इसने कत्ल किया, तो इसने हमें भी धमकी दी जान से मार देने की। बस इसी खौफ से हमने कानून से ये हकायक छुपाए। उसे माकिब, क्या तुम इतराफ़ जुर्म करते हो? जज साहब, मैं शर्मीन, राशिद और नाजिया का एक ग्रुप था। हम चारों मिलकर वारदातें करते थे। शर्मीन और नाजिया पहले अमीर आदमियों को फंसाती थी और उनसे मंगनी करके उन अमीर आदमियों के घर आना जाना हासिल करती थी। उनके घर में जो भी कीमती सामान होता था, उन सबकी मालूमात हासिल करके हमें इन्फॉर्म करती थी और फिर हम पीछे से जाकर डकैती डालते थे। जज साहब, शर्मीन ने साजिद खान को शीशे में उतार लिया था। वो मेरी मोहब्बत भी थी, लेकिन उसने मुझसे बेवफाई की और साजिद खान से शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब कुछ जायदाद अपने नाम लिखवा और उससे तलाक लेकर वापस ग्रुप में आ जाओ। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि तुमने लंबा हाथ मारने के लिए बुड्ढे से निकाह किया है, लेकिन तुम तो उसकी होकर ही रह गई यार। अब वापस आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं आकिब, मैं इस खेल से थक चुकी हूँ। अब मैं एक शरीफ और अमीर आदमी की बीवी हूँ। मुझे जिंदगी से जो आसाइशें चाहिए थी वो मुझे मिल गई हैं। अब मैं वापस नहीं आऊँगी? हमारी मोहब्बत कहाँ गई? हमारी मोहब्बत शर्मीन, तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? वापिस आ जाओ। कौन सी मोहब्बत? तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं मजीद तुम्हारी दो नंबरी के कामों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और आइंदा मुझे रब्ता नहीं करना? क्या बकवास है ये? मुझे अपना नंबर दो अभी। ओके? हरगिज नहीं, मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना। हरगिज नहीं? ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना इस बुड्ढे को, दोनों को जान से मार दूंगा मैं। इनकार पर मुझे गुस्सा आया और उसकी बेवफाई पर मुझे उससे शदीद नफरत हो गई। राशिद और नाजिया तो अपना गेम खेल रहे थे और खूब माल बना रहे थे, मुझसे मेरी ही पार्टनर ने दगा कर दिया। गुस्से और इंतकाम की आग में जलकर मैंने फैसला किया कि
साजिद खान को रास्ते से हटा दूं ताकि शर्मिंद मुझे वापस मिल जाए। मैंने साजिद खान की रेकी स्टार्ट की, उसके पीछे जाया करता था मैं, और फिर एक दिन क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की हुई है तुमने? क्या अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो तुम मोहल्ले वालों को जगा दोगे? कुछ शर्म करो, मैं अब शादी शर्म डका है। हल्के बोलो, सॉरे। तुम मेरी नहीं हो ना तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे, हल्के बोलो, छोड़ो। पागल हो गए हो तुम? क्या बकवास हरकतें लगाई है तुमने? तुम्हें भी मार दूंगा मैं और इस बुड्ढे को भी। पागल हो गए? अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल तो मैं पुलिस को फोन कर बुलाऊंगी, समझे? पुलिस को बुलाऊंगी? हाँ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी के नहीं होने दूंगा। तुम्हें भी मार दूंगा मैं और इस बुड्ढे को भी। गलती हो गई। मुखला की बहस, गवाहों के बयानात और मुलजिम आकिब के इतराफ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल साजिद और उसकी एहलिया मकतूला शर्मीन का कत्ल मुलजिम आकिब नहीं किया है। लिहाजा यह अदालत ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुलजिम आकिब को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि इसके दीगर साथी मुलजिमा नाजिया और राशिद को हकाइक छुपाने के जुर्म में 2-2 साल कैद मुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। और डकैती की जिन वारदात का इतराफ इन दोनों ने किया है उसके तहत यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इन्हें फौरन गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह अदालत मकतूल की साबका बीवी कुदसिया, उसकी बेटी मरियम और सलमान को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है, अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।